टैंकर में बैठा हुआ है मार के। पारस लोगों को खबर दे दे कि मैं फिर से सिंगल हूँ, अगर कोई डिसेंट सी भाई लड़की जो जो फिल्टर का कमाल ना हो, जो लवेश, चोर सुन, लोगों को क्या खबर देना सिंगल हूँ, लोग डबल होके भी डबल होना चाहते हैं, फिर क्या हो। भाई करोगे? रात को आ जरा मुझे मैसेज कर दे कि मेरा टैंक खाली कर दे भाई, अभी मेरा टैंक खाली कर दे। कभी नहीं पूछ इससे भाई। मैंने कहा देवी जी लवेश ऐसा बोल सकती हूँ मैं? बिल्कुल नहीं देख भाई, रहे हो, तूने पटा रखा होगा लविश मेरा के भरोसा, तू रात को मेरा टैंक खाली करवाने लगी थी। ऐसा हो नहीं सकता, लविश को पता तू कह है। नहीं रही थी मैं आपके प्यार में पागल हूं, मैं नस मुस काट लूंगी अपनी। तेरे प्यार में इतनी पागल हूँ, मैं एक मैंगो नहीं काट सकती। तू नस काटने की बात कर रहा आप है? दो काटो, दो मैंगो? दो मैंगो। अभी तो अभी के लिए काटे हुए थे, वो मेरे लिए छोड़ के गए। किसने काटे अभी? हाँ नहीं परी की भूला नहीं हूँ आपको। भाई एक बात तो, हर एक जितने भी हस्बैंड होते हैं ना भाई, इनका ध्यान आमों पे ही होता है। लवी साहब की वाइफ कहाँ है? शान की परी? अरे नहीं भूला भाई, इंडिया में छोड़ाया। चली रविश कुछ गई, धोखा देके चली गई वो। मैंने लविश के लिए एक वीडियो बनाया था, बिल्कुल एकदम लविश पे ही एकदम सेट हो रहा था। मैंने कहा ला बना के दे दूं बेचारे को। हाँ रविश नीचे पनोड़ी आया, पनोड़ी को ऐड कर दिया। एक बार रुकना भाई साहब, भाई साहब ओके ओके। आज देख ये भाई इसका टैंक खोले कौन सी आईडी है ये हमारे, कुछ भी कौन बोल सी आईडी से? सकता इन गार्ड वी ट्रस्ट से आया वो। है। पारस, पारस का टैंक खोले, पारस कुछ भी बोल सकता है, नहीं है दरवाजे खाली, आपकी मुझे पता है। मैं बताता हूँ। ओ भाई कल तो कहाँ मेरे चला गया तो अभी आ जाएगा। कानों में से धुआं निकल गया लविश। क्या निकल कल गया? तो इसने मेरे कानों में, कल तो कानों में से धुआं निकाल दिया इसने। ऐसा क्या बोल रहा बता, ऐसा क्या कर दिया भाई तूने? नहीं तुझे पर्सनल में बताऊंगी कितने तो लाइव पे बता, कितना। लाइव पे बता फिर नहीं जाएगी। नहीं नहीं बताऊंगी, लाइव हम तो चाहते हैं बताओ। नहीं बता सकती मैं, नहीं बता सकती। ऐसा क्या बोल दिया मैंने तेरे को जो तेरे को शर्मशार होना पड़ा? अरे वो तो मगर लाइफ पे बताने का होता तो बता देती ना, ऐसा ही कुछ। ओह माय गॉड, ऐसा क्या था? और है ना, नहीं मुझे फिर लगा मुझे कि लगा ये तू नशे मेरी में बेइज्जती है करेगी। ना। हाँ और मैं मुझे नशे लगा, मैं इतना बता रही हूँ सुन ना लविश, मैं इतना बता रही हूँ, मुझे लगा कि ये नशे में है, बट बाद में मुझे पता चला ये फुल था, मतलब होश में था, इसे मैं ठीक बिल्कुल कर होश दिया। और हवास में जो किया इसने होश और हवास में किया। अबे यार नीचे कोई कुछ गलत ना समझ ले, क्या हाँ किया क्या इसलिए ना किया। सोच समझ के बोलो। हाँ वही ना, वो कपूर जी को भी लाइव शेयर कर दिया कभी था, कभी मैं नहीं ले पाया था। एक शांत की परी है, कभी वो मेरे देख पास कौन सी परी है वो। ठीक है देख, भूल गया क्या? लो एंड ब्रो, शान की परी। ये परी परी ऊपर ध्यान मत दो, ये परियों के उड़ नहीं जाते हैं ऐसे है ना, ये तो ये बात है, पर वो हर देख कोई परी क्या बल्कि करूं आप मर जैसी जाऊं। भी तो कोई परी होती है। ये आया कमेंट उसका, शान की परी, क्या करूं मर जाऊं जी को ले। सीधे नहीं, सीधे सिंपल नामों वालियों को उठाओ, ये परी, ये क्यून, ये ऑफिशियल, ये सब बस कहने की बातें नहीं हैं हो गई हम, नहीं, हम तो परी को लेंगे। क्यों अच्छा अजरा को ऐसा ना लग भाई, रहा है? सही बोल रही नहीं, वैसे तो बिल्कुल सही बोल रही हो, पर ये परी हमारी अपनी परी है, वो वैसी परी नहीं है। वो जैसे अच्छा ही। आदि करता है ना रिया की एक्टिंग, ओ लवेश तुमने ऐसा क्यों नहीं किया लवेश। हेलो, हेलो। ओ भाई बड़ी गजब की लड़की निकली लगता है रिया तो, लगता है ना? बिल्कुल हाँ हाय ये पारस,
हेलो कैसी, हेलो माया, हेलो माया जी, माया अरे किस तरह नीचे बोल माया जी हमारी बोल अच्छी तो मुझे एक तो चीज मुझे मेरी आईडी का नाम चेंज किया तो तुम भूल गए सारे। हाँ मैं बिल्कुल भूल गया, अभी मुझे सुंदर सा चेहरा दिखा दो। चेहरा तो मैं दिखाऊंगी नहीं, पहले तुम याद करो कौन हूँ। माया जी आना हो तो बताना आप। पारस भी भूल गया, भूल गया उसका टैंक फुल है आज, भूल गया। याद करो कहाँ से, एक सेकंड रुकना मैं देहरादून। किसको याद है देहरादून, किसको याद है? क्या जी? एक नेहा राजपूत। नेहा राजपूत हो आप? हाँ सामने तो आ जाओ फिर। सामने नहीं आ सकते ना लाइव में, क्यों? कुछ बात होगी तब, इतने दिनों बाद एक साल बाद स्ट्राइक, किसी ने याद किया मुझे? नहीं हमने याद किया तो इज्जत रख लो ना हमारी, हमें शक्ल तो दिखा दो। शक्ल तो मैं बाद में दिखा दूंगी, मैं भूल गए सारे के सारे। अब ऐसा है ना जी, ऐसा है अगर आप लगातार टच में नहीं रहोगे तो अब लोग तो भूल ही जाएंगे ना भाई, जब तक आपके बीच में टूचुक नहीं होता ना एक दूसरे से। हेलो सोनू भाई। हाँ सही बोला, वैसे भी एक अरसा हो गया। ओके माया जी। अरे आशी, आशी जाना मत, आशी आशी को लो, आशी आ जा। अरे डिक्लाइन कर गई, रिया ने बोला होगा ना, मना किया होगा भाई। आशी दीदी आ जाओ, आपसे भी बात कर लूं भाई। ये रिया की मासी की लड़की है आशी भाई, देख लिया मैंने। अबे साथ आ गए तो अब तू आ जा। लविस सच में भूल गया, वो आती थी ना एक शिमला की नैना, तुम बोलते थे नैना और मेरा नाम नेहा। अच्छा याद आ गया, वो तो बहुत सुंदर लड़की है यार, अब तो चेहरा दिखाना पड़ेगा तुम्हें। गोरी गोरी पारस, पारस भी भूल गया, देहरादून जब बोल रहा था मैं पूरी में घूमा हुआ चक्र होता। नहीं मैं तो देहरादून गया था, आप मिले नहीं मुझसे भाई। ये क्या मुझे क्या पता था, रोटी है? बनाते हुए आशी रोटी बनाते हुए लाइव, रोटी बनाते हुए आ जा भाई। भाई इसकी मासी तू रोटी कैसे बनाती है, इसकी मासी की लड़की इसको फॉलो करती है, पकड़ी जाएगी आज। हाँ इसीलिए इसीलिए। और सब बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हेलो क्या करोगे, शान मना करता क्या आपको? हाँ लाइव में इसमें नहीं आना। हेलो फर्नांडेज। पारस ने कहाँ का पॉइंट कहाँ बगड़ा रहा। हेलो फर्नांडेज कैसे? हेलो हेलो, आ गई मुझे उम्मीद नहीं थी। हाय आशी दी। हेलो आशी भाई, तेरी मासी की लड़की भाई देख लेगी लाइव, तेरे आज नहीं बचता कोई। कौन मासी की लड़की? वही तुम्हारी मासी की लड़की। कौन है मेरे को तो बताओ। अरे वही, मुझे तो पारस ने बताया कि तुम्हारी मासी की लड़की वही डायन जो अपना घर भी खा गई। नाम लेना साथ में, सामने नाम लेना। यारियां अबे छोड़ो ना, पर्सनल में बात कर लेना, क्यों क्यों मत कर। नहीं नहीं दी मैंने फॉलो किया है आपको, फॉलो कर देना फिर मैं डीएम में बात करूंगी, फिर याद आ जाऊंगी कौन हूँ आपको। ओके डियर, पक्का पक्का। अब आशी, अरे पारस, आशी बड़ी साइड लेती है उनकी भाई, आशी उसी की बेच। यार देखो तुम सारे ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, प्लीज ऐसे मत करो, प्लीज अभी लाइफ पे मत करो। नहीं नहीं सारे तुम दोनों लड़े तब मैं फंस जाती हूँ यार, मतलब मेरी किसी से लड़ाई नहीं होती पर मैं चाहती हूँ कि यार सब साथ रहे, पर तुम्हारा क्या बोलना चलता ही बोलो। आज तुम्हारे बोलने का दिन, आज तुम बोलो। नहीं मैं कुछ नहीं बोल रही, पर्सनल में बोल रही। नहीं नहीं तीसरी लड़की भी चलेगी आज, हम तीनों और मैं किसी को ऐड नहीं कर रहा, तुम बोलो आज भाई। क्या इसका केस बताऊं कौन सा था, जॉनी डेप वाला? तुम दोनों साथ कैसे आगे, पहले तो ये बताओ मुझे। भाई दारू खींच जाती है भाइयों को तो। अच्छा चलो अच्छा है, कम से कम साथ हो तुम दोनों भाई। मैं तो इसीलिए आई, वरना मैं इतने दिन से लाइव नहीं आ रही थी, और मैंने देखा लविश का नोटिफिकेशन, मैं एकदम से आई, फिर पारस था, मैं शॉक, पता है मैंने देखा कि पारस ही है ना, मेरे को विश्वास नहीं हुआ भाई। ऐसा है, अच्छा नीचे लोग पूछ रहे हैं वो चोरी का हिस्सा भी मिला गया तेरे को? हाँ क्या यार तुम चुप हो जाओ,
भाई मैं तो पूछ रहा हूँ यार, कभी मिला तो देख तेरे भाई, देख डोनर बढ़ गए तेरे। हाँ तू तो रहने दे बस, तू तो आने वाला था पहले। मैंने लविश को बताया था, वो मैं एक्चुअली कैंसिल हो गया था मेरा। मैं और दोनों ही आएंगे पारस। हाँ और तेरे को मिलने आएंगे अकेले। अब मैं इंडिया आ रही हूँ, अब तुम बोल रहे हो, पक्का आओगे तो बताना ठीक है। कब आ रही है इंडिया? मैं आ रही हूँ यार, बस जुलाई में आ रही हूँ, मिड ऑफ जुलाई। नहीं एक्चुअली आशी सबको जवाब दो, सब पूछ रहे हैं कि तुम्हें कितना हिस्सा मिला तुम्हारी सिस्टर से। यार देखो मैं कुछ भी नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे सच में कुछ भी नहीं पता। हेलो आरू, क्या है क्या नहीं है, और मुझे कोई हिस्सा नहीं मिला और मुझे सच में कुछ भी नहीं पता। राधा की मम्मी भी पूछेगी तुमसे कि आशी तुम्हें कितना हिस्सा मिला। ये सब कब डिस्कस हुआ मुझे तो ये भी नहीं पता भाई, इसको सब पता होता है, दुनिया जान के सारी चीज पता है। देखो देखो कौन आया, आरू पूछेगी। ओ आरू इज हियर, आरू तो भाई सेलिब्रिटी हो चुकी है। आरू तो सेलिब्रिटी है, छोटी छुटकी सी सेलिब्रिटी हमारी। सही में उसका नेट घूम गया। आशी। हाँ बता। पारस आशी ने मुझे बहुत डांटा पता है भाई, आशी सबको डांटने वाली है जितनी। मैं कौन होती हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी समझा लू मैं तुम्हें पागल ही लगती हूँ कि तो बेवकूफ है, कुछ भी बोलती रहती, ज्ञान बांटती रहती है। नहीं पागल तो हो, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ पागल तो है भाई, मुझे तो हमेशा पागल ही समझा गया है। हम्म। कोई नहीं चलो। अब एक बार चेहरा तो दिखा दो, रोटियां पकते हुए देख तो लें। नीचे पारस सब लोग बोल रहे हैं कि जो पिन कमेंट किया था उसका रिप्लाई देगी आशी। क्यों मुझे मत फसाओ यार, तुम पता मैं शरीफ सी बच्ची हूँ, मुझे मत फसाओ। शरीफ सी बच्ची तो हो हमारी, ये कोई कंट्रोवर्सी फेक वाली नहीं है, ये रियल वाली स्टोरी है। मुझे ना रियलिटी कहीं से अभी तक जो मुझे बताया गया, देखो मुझे वही पता है ना, मैं वहां पर थी ना, मुझे सच में कुछ पता है कि क्या हुआ। मैं सीरियसली पारस सुन, आशी कहीं ना मुझे समझती है गलत शायद। नहीं यार देख, नहीं, जो नहीं, मुझे नहीं, बताया गया, हम तीनों दोस्त हैं यहाँ, हम क्लियर बात करते हैं। मतलब आशी छोटा सा क्वेश्चन, तेरे को लगता है ये दरिंदों की तरह झुकता होगा उसको? मत क्या बोला तूने, तुझे लविश दरिंदा लगता है क्या? यार देख मैंने ना इससे बात करी थी, इसने मुझे क्लियरली ज्यादा चीजें नहीं बताई। मैंने इसको कॉल किया था खुद से भी और मैंने पूछा था, इसने बोला कि मैं तेरे को बताऊंगा जो भी हुआ, पर अभी इसने मुझसे ऐसे ढंग से बात नहीं करी। इसने मुझे जो बताया और उधर से जो बताया, मैं चाहती हूँ कि ना दोनों आमने सामने बैठ कर बात करो ठीक है, एक बार आमने सामने। जब हम मैं और पारस से आता कॉल पर हो तो अब तुम दोनों बात करो तो पारस और मैं देख सकते कि यार क्या था क्या नहीं था। भाई मैं आपके बता देता हूँ, वो लुटेरी है भाई। आशी मैं आपको बता चुका हूँ कि वो मुझे, हाँ जी हाँ जी, आराध्या की मम्मी, ये मेरा न्यू अकाउंट है, मेरा ओल्ड अकाउंट हैक कर लिया था किसी ने, वो भी अभी वापस आ गया है। पुराने वाला तो तेरा फिर से स्टार्ट हो गया? हाँ वो फिर से हो गया, जो लोगों ने किया था उनकी। अच्छा भाई मुझे लगता है, मुझे लगता है असली हैकर भी आशी है, आशी अकाउंट उठाती है। आशी का अपनी बेचारी का खुद का समझ है, कोई ठीक है टाइम में।